सॉरी, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि हम मार्क्स वर्सेस रैंक कमिटी का 100% करेक्ट प्रेडिक्ट किए हैं वो आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल पे और इस चैनल पे भी। उसी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है इस साल का कमिटी में, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं आरबी, बीएमएस, एमएस रामैया, दयानंद सागर, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब जितने भी कॉलेज हैं टॉप के, सबके बारे में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इस साल का सीएससी, आईएससी, ईसी ब्रांच का, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं मेरे से, उसका डिटेल इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको एक नॉमिनल चार्ज लगेंगे, उसके बाद अभी से लेकर एडमिशन तक हम आपको गाइड करेंगे। सिर्फ कमेंट के नहीं, और भी जो काउंसलिंग करते हैं उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आरबी से। 1500, 2500, 6000, ये हो गया सीएससी, आईएससी, ईसी का कट ऑफ रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अगर आप बात करें बीएमएस का 4000, 5400, 10000, फिर एमएस रामैया का बात करें 4000, 5600, 11000, दयानंद सागर का बात करें 8, 10, 15 हजार, ये जो भी कट ऑफ बता रही है थर्ड राउंड तक है, वो भी अच्छे से काउंसलिंग करने के बाद। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है ना मिल पाए। अगर फर्स्ट राउंड में आप चाहेंगे ये मिल जाए तो वो नहीं मिलने वाला, सेकंड में भी नहीं, थर्ड तक जाना पड़ेगा तभी इस रैंक तक आपको मिलेगा। थर्ड में जाने से बेस्ट आपको मिलेगा अपने रैंक पे, फर्स्ट में वर्स्ट मिलता है। तो इसके बाद अगर आप बात करें बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 11000, 15000, 19000, फिर आचार्य के लिए 30, 40, 45, फिर केएलई हुबली के लिए 40 और 50, सीएससी और ईसी के लिए रिस्पेक्टिवली, फिर बीएमएस आईटीएम के लिए 9, 13, 19, फिर सीएमआर के लिए 22, 28, 40, ये हो गया सीएससी, आईएससी और ईसी रिस्पेक्टिवली, फिर डीएसएटीएम के लिए 24000, 34000, 44000, फिर डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 28, 31, 35000, फिर एसजेसेई 9, 18 और 23, फिर जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन 6000, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, हियर इज द इन्फॉर्मेशन, 13000, 18000, 24000, फिर उसके बाद अगर बात करें एनआईटी मीनाक्षी का 15000, 20000, 25000, फिर आरएनएस के लिए 19, 23, 30, फिर एसआईटी टुमकुर के लिए 15, 20, 26, फिर गीतम के लिए 20 और 40, सीएससी के लिए, फिर आरबी आईटीएम के लिए 12000, 18000, 24000, ये आपका तीनों ब्रांच का हो गया सीएससी, आईएससी एंड ईसी। अगर आप सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए देख रहे हैं तो वो सीएससी और आईएससी के बीच में होगा, जैसे आरबी आईटीएम के केस में 12 से 18 हजार के बीच में होगा। इसी तरह बहुत सारे कॉलेज में सीएससी स्पेशलाइजेशन अभी आ गए तो उसका कट ऑफ सीएससी कोर्स से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आईएससी से थोड़ा कम रहता है। अगर बात करें एसएमबीआईटी का 15, 20, 25, एसडीएम 25, 33, 40, एसजेबी 29, 36, 30, पेस आईटीएम 34, 40, 50, पेस मानदिया 37, 44, 50, जैन कॉलेज 35 एंड 55, सीएससी ईसी के लिए। इसके बाद कैम्ब्रिज के लिए भी 30 और 45, बैंगलोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 45, 50 एंड 55, बीटीआई के लिए 30 एंड 55, ग्लोबल के लिए 40, 44 और 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50, 55, 60 हजार तक भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। जो भी कॉलेज हम इसमें सेलेक्ट किए हैं उसका प्लेसमेंट, एजुकेशन, कैंपस बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको सेलेक्ट किए हैं। कॉलेज तो और भी हैं बट वो सब उतने एडवाइसेबल नहीं है, एक बार आप मेरे से जुड़ते हैं तो हम आपको और भी डिटेल में बता सकते हैं आपके लिए कौन सबसे अच्छा होगा। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कमेंट के काउंसलिंग के रिगार्डिंग की आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है इस साल का सारे टॉप कॉलेजेस का। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारा अपडेट आपको सही समय पे मिलते रहे जब तक कि आपका एडमिशन हो ना जाए। थैंक यू। यहाँ पे हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने काउंसलिंग, गाइडेंस एंड मेंटोरशिप के बारे में। जैसा कि हम 5 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो उस समय से लेके एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। 1-to-1 कनेक्टेड रहेंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं हर एक काउंसलिंग में, और बाद में किस में ज्वाइन करना है उसके लिए भी एडवाइस करेंगे आपको। सारे कॉलेज का फैकल्टी कैसे हैं, कैसे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, जो भी चॉइस फिलिंग होता है, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम आपको देंगे हर एक काउंसलिंग के लिए जो भी आप करते हैं। और दिए गए नंबर पे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके। ये ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट पे करें और 4-5 दिन के बाद आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कॉन्टेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए सही पर्सन है गाइड करने के लिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था मेरा गाइडेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन।